सत्संग से सोधि आवे, नहीं जीव चौरासी में जावे। सत्संग से सोधि आवे, नहीं जीव चौरासी में जावे। अब मेटो द्वेष और राग, ओ राग या उम्र बतेरी जाली। अब मेटो द्वेष और राग, हो राग या उम्र बतेरी जाली। अब कैसे गुरु की आज्ञा का पालन करना है। सिरसों प्या गुरु देव को सफल होया ये शीश, नितानंद इस शीश पर आप बसे जगदीश। सिर कैसे सौंपना होता है? सिर काटना नहीं, गुरु जी के आज्ञा का पालन करना ही सिर सौंपना होता। एक गुरु जी थे, उनके चार पांच शिष्य थे, आश्रम में रहते थे। रोज ही प्रतिदिन शिक्षा यही दी जाती है। प्रत्येक गुरु जो होते हैं ये पांच चार फार्मूले पक्के सिखाता है गुरु को, चेलों को, और ये ही कारगर होते हैं। अब जैसे कोई भी भांग बोता है खेत में, तो वो भी खेत को संवारने के तरीके सारे बता देगा, लेकिन बीज गलत है तो वो सारे तरीके गलत हो गए। बीज ना था गेहूं, बो दिए भांग, ये तो बाद में बताऊंगा, लेकिन जो प्रसंग चल रहा है उसी को आगे बढ़ाते हैं। एक गुरुजी थे और वो अपने शिष्यों को शिक्षा देते ही रहते हैं, जैसे प्रतिदिन सत्संग के माध्यम से या वैसे भी टिप्पणी करते हैं, बैठते हैं जब बच्चे अच्छी शिक्षा देते हैं। एक दिन गुरुजी ने कहा कि देखो भाई, जो गुरुजी की आज्ञा पालन नहीं करते बच्चों, वो कभी सफल नहीं होते, उनको घोर पाप लगता है, उनकी भक्ति नाश हो जाती है। सब शिष्य बैठे हैं, गुरुजी आसन पर बैठे हैं, वो वहाँ बैठे बैठे सुन रहे हैं, जी गुरुजी बिल्कुल सही है। तो गुरुजी ने कहा कि मेरा एक आदेश है कि तुम मेरे सिर में अपने पांच पांच जूते मारो। और ये भी शिक्षा दी जाती थी, गुरु मानुष कर जानते ते नरक ये अंध, महादुखी संसार में आ गए यम के फंद। गुरु को परमात्मा के तुल मानना चाहिए। अब उनके सामने धर्म संकट खड़ा हो गया, गुरु जी की आज्ञा का पालन नहीं करें तो भक्ति का नाश हो गया, और गुरु जी की तरफ हाथ कर दिया तो कट जाए वो हाथ, इससे अच्छा था। तो उस गुरुदेव ने कहा, मैं क्या शिक्षा दे रहा था तुम्हारे को, बस ऐसे भगत तो मेरे मेरी आज्ञा का पालन नहीं कर रहे। नीची गर्दन कर ली। एक खड़ा हुआ, अपना जूता निकाला, गुरुजी के पास आकर बैठ गया और अपने सिर में पांच जूते मारे, मट्टाए मट मट्टाए मट। तब गुरुजी ने कहा, भाई डंडी मत मारे, तेरे सिर में नहीं मेरे सिर में कहा था मैंने। तब उस चेले ने कहा कि गुरुदेव, इस दास का शीश भी तो आपका ही है। क्या इसको आप दूसरा मानते हैं? तो यहाँ गुरुजी बोल नहीं सके, तो वो यही चाहते थे कि इनको कितना विवेक है। तो पुण्यात्माओं, इस भक्ति मार्ग के अंदर गुरुजी का मुख्य अभिन्न होता है और शिष्य का भी उसके साथ साथ पैरेलल इतना ही सूरवीरता से उसमें चलना होता है, तभी सफलता मिलती है। अब उसके बारे में आपको बताते हैं, गुरु की जी के साथ कैसे रहे, कैसे बोले, कैसे बतलावे, कैसा व्यवहार करे निष्कपट भाव से। दंडवतम गोविंद गुरु बंधु अभिजन सोए, पहले वे प्रणाम तिन नमो जो आगे होए। गुरु को कीजे दंडवतम कोटि कोटि प्रणाम, कीट न जाने भृंग को यो गुरु कर ले आप समान। गुरु गोविंद कर जानियो रहियो शब्द समाए, मिले तो दंडवत बंदगी नहीं पल पल
ध्यान लगावे। गुरु मानुष कर जानते ते नर कहिए अंध, महा दुखी संसार में फिर आगे काल के फंद। कबीरा ते नर अंध हैं, गुरु को कहते और, हरी के रूठे ठोर है भाई गुरु रूठे नहीं ठोर। गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु अपना जिन गोविंद दियो मिलाए। अपने आत्मा कितना महत्व है सच्चे सतगुरु का, कि जैसे उदाहरण आपको बहुत बार दिया है, जिस व्यक्ति के ऊपर आपदाएं आती हैं वो स्वयं स्वीकार करता है और कहता है कि मेरा राम रूस गया, मेरा भगवान रुष्ट हो गया, आज मेरे ऊपर दुख पर दुख आ रहे हैं। और जिसके घर सुख होता है उसको अन्य आम व्यक्ति ही कहते हैं, इसका राम राज्य है भाई, इसका भगवान प्रसन्न है इसके ऊपर। तो पुण्यात्माओं, पुण्यों से सुख होता है, पाप कर्मों से दुख होता है। जिनके पुण्य समाप्त हो गए तो उनका राम रूस गया, उनका भगवान रुष्ट हो गया, उन पर दुख प्रारंभ हो गए। तो जैसे एक आप खेत में कहीं मजदूरी करने जा रहे हो या कहीं पर भी आप एकांत स्थान पर कोई मटका पानी का भर के ले गए और सारा दिन पीते रहे, जब तक पानी चला तो नो प्रॉब्लम, और पानी जल खत्म हुआ तो हुई प्रॉब्लम, प्यासे मर जाओगे। पुनः उसको नहीं भरा तो कहाँ जाओगे? हैंड पंप पर गए, कुएं पर गए। हम यहाँ हैंड पंप लेकर चलेंगे जिससे एक सटीक उदाहरण बन जाता है। एक तरफ तो हैंड पंप पर गए, मटका भर लिया, फिर आपत्ति समाप्त। जो आपत्ति आई थी जल के अभाव से वो ठीक होगी, अले वो बला टली। ऐसे ही जो पुण्यों के अभाव से आप पर आपत्तियां आ रही हैं तो यही फिर राम नाम के पुण्यों का घड़ा फिर भर देंगे। कहाँ से? गुरु रूपी हैंड पंप पर जाना पड़ेगा अपने। तो ये समझ लिए गुरु जी हैंड पंप है और एक मटके में जल रखा है। एक तरफ हैंडपंप खड़ा है, नल है पानी का, एक तरफ मटके में जल भरा है। तो आपसे कोई ये कहे कि इस मटके भरा जल और एक तरफ नल, इनमें से कौन से को पसंद करोगे? तो इतना तो बेईमान होना ही पड़ेगा हमने भाई, नल चाहिए हमने, तो मटके का तो पानी शाम तक भी खत्म हो ले और हैंडपंप मत कितने भर ले मटके तो अभी खत्म नहीं हो। तो कहते हैं वैराग नाम है त्याग का पांच पति सोमा, ये जो काम क्रोध लोभ अहंकार मोह कहते हैं, अब इनकी दिशा बदल लो। बेईमान हो तो दान करने पर हो, बेईमान हो तो ऐसा बेईमान ना करे, ऐसा लोभ करे जो भक्ति मार्ग में आपको सहयोग देवे। कर्म फोड़न का बेईमाना लोभ करना अनुचित है। तो परमात्मा कहते हैं गुरु गोविंद दोनों खड़े, मटके में जल तो समझ लो गोविंद और नल समझ लो गुरु, इन दोनों में से कहते हैं किसके लागू पाए। आप उत्तर दे रहे परमात्मा, हमारी तो इतनी बुद्धि काम भी नहीं करे, बलिहारी गुरु अपना जिन गोविंद दियो मिलाए। धन है मेरा वो गुरु, वो नल का हैंड पंप जिसने वो राम मिला दिया, जिसके अभाव से हम दुखी हो रहे थे वो पुण्य प्राप्त करा दिए। तो पुणात्मा परमात्मा कहते हैं गुरु मानुष कर जानते ते नर कहिए अंध, महादुखी संसार में आ गए यम के फंद। गुरु गोविंद दोनों खड़े किसके लागू पाए, बलिहारी गुरु अपना जिन गोविंद दियो मिलाए। कबीर हरि के रूठ जा गुरु की शरण में जा और कह कबीर गुरु रूठ गए फिर हर निहोत साए। अब जैसे आपका राम रूठ गया, आपके पुण्य समाप्त हुए, गुरु मिल गए तो रोज भर लो बाल्टी दिन में 10-10 बार। और फिर कहते हैं यदि आप जी ने हैंड पंप खराब कर दिया, उसको मिस हैंडल करके, उसकी टेक केयर ना करके, रिस्पेक्ट नहीं की, तो आपका हैंड पंप खराब हो गया यानी गुरु रूठ गए, फिर आपको वो सुविधा बंद हो जाएंगी मिलनी जो आपको हैंड पंप से मिलनी थी। तो यहाँ कहते हैं कबीर हरि के रूठ त्या गुरु की शरण में जा, कह कबीर गुरु रूठ गए तो हर नहीं हो साए। अब फिर क्या बताते हैं, गुरु से ज्ञान जो लीजिए, शीश दीजिए दान, भौतक भोंदू बह गए
राख जीव अभिमान। भौतिक भौतुक बह गए राख जीव अभिमान। जैसे नित्यानंद जी कहते हैं, ब्राह्मण कुल में जन्म था, मैं करता बहुत मरोड़, और गुरु गुमानी दास ने दिया कुबद गढ़ तोड़े। तो सत्संग के हथौड़ों से, इस वचनों के हथौड़ों से हमारे अंदर जो गंध जमा पड़ा है या अभिमान का है, तो उसको तोड़ दिया जाता है सत्संग की चोट मार मार के। अब क्या अभिमान इस प्राणी का, अब चाहे कितना टीरी खापा कर रहा हो, एक मिनट में अधरंग मार जा, बांगा मुंह हो जा, माखी लकड़े बड़े हैं, लाल पड़े टपके उस अपलातून के। क्या अभिमान इस मट्टी का, अपना पीछा छुटावे, कर्म बनावे, विनम्र होकर सत्संग में आवे। और कबीर साहब कहते हैं, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आप भी शीतल होए। तो इसके लिए अपने अभिमान को त्याग कर जो आप बात करोगे, देखना सामने वाला आत्मा कैसे गदगद हो जाएगी। तो एक भक्त के बोलने का, उसके चलने और बैठने का, उसके नज़र और देखने का तरीका नॉर्मल होता है, और तभी वो भक्त कहता है। एक वैसे बकवादियों की तरह चाल रहा है, बकवादियों की तरह चश्मे लाओ और नो टेढ़ा देखे, उधर ढेर आदमी है, भक्ति करता है चाहे ना करता है। तो सत्संग के अंदर आकर के सत्संगी कहला करके, भक्त कहला करके, उसमें भक्त वाले गुण स्वाभाविक बन जाने चाहिए, तो सत्संग से उनका ज्ञान होता है। तो क्या बताते हैं, गुरु से ज्ञान जो लीजिए, शीश दीजिए दान, और भौतुक भौंदु बह गए राख जीव अभिमान। गुरु समान दाता नहीं, याचक से समान, और तीन लोक की संपदा स्वगुरु दीनी दान। फिर क्या बताते हैं कि कबीर तन मन दिया तो भला किया, सिर का दासी भार, और जय कभू ये कह दिया कि मैंने दे दिया तो बहुत सहेगा मार। परमात्मा यहाँ तक कहते हैं, जैसे क्योंकि इस काल ने तो आपका भक्ति नाश कराना है, और आपने परमात्मा के इस ज्ञान से अपना इसको सुरक्षित रखना है। परमात्मा कहते हैं कि जैसे माता गर्भ को रख है यत्न बना, और ठेस लगे तो छन हो तेरी, ऐसे भक्ति जा। जैसे किसी बहन को, किसी माई को काफ़ी समय के उपरांत या कभी भी गर्भ रहा हो, और उसके उपरांत वो कितनी सावधानी बरतती है उस अपने लाल को प्रफुल्लित करने के लिए, सफल करने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए। चलते समय भी ये सोचती है कि ऊंचे नीचे पर पैर ना टिक जा, कहीं ठका ना लग जा। रात्रि के समय, सोते समय भी जब करवट बदलती है तब भी बहुत उदड़ कर पड़ती है, कहीं मेरे बालक का ठेस तो नहीं लगी। तो परमात्मा कहते हैं कि जैसे माता गर्भ को और रख है यतन बना, ठेस लगे तो छन हो तेरी, ऐसे भक्ति जा। जरा सा भी कोई झटका लग गया तो तेरी भक्ति ऐसे नाश हो जाएगी जैसे उस माई का गर्भपात हो जाए। उसको कितना कष्ट होता है, कितना रोती है उस समय को कि कैसे बात बिगड़ गई। तो परमात्मा याद दिलाते हैं, जैसे माता गर्भ को रख है यतन बना, ठेस लगे तो छिन्न हो जा, क्षीण हो जाता है, तेरी ऐसे भक्ति नसावे।